चलें बेटा ठीक है, लेट्स जस्ट मूव टूवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. प्रॉब्ली देयर इज गोइंग टू बी वन मोर लेक्चर बट वी विल ट्राई टू फिनिश इट अप इन द वन इन वन लेक्चर. ओके सो वी आर स्टिल इन द लाइट रिएक्शन. ठीक बेटा, इसको डिटेल में पर जाने से पहले मुझे आपको पहले कुछ दो बातें बतानी है. ठीक है, एक तो मुझे आपको ये बताना है कि जो लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में जो पहले वाला यानी लाइट रिएक्शन जो है वो एक फीडिंग रिएक्शन है. फीडिंग रिएक्शन क्या होता है बेटा, मैं जाऊँ यहाँ जाता हूँ, चलें चलें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, फीडिंग रिएक्शन का मतलब ये है कि जो लाइट रिएक्शन है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें डार्क रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, लाइट रिएक्शन को के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डार्क रिएक्शन इस्तेमाल करता है. सो वो प्रोडक्ट हैं क्या, एक प्रोडक्ट जो है वो एटीपी है. एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. दो में से जो एक प्रोडक्ट है वो कौन सा है, वो एटीपी है. और जो दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन का, वो NADPH है. जो बात बताने जा रहा था वो ये है कि आप हाई एनर्जी कंपाउंड हो सकते हैं दो बातों के ऊपर. अगर आप हाई एनर्जी कंपाउंड चाहते हैं कि आपको कोई कहे, तो आप दो बातें हमें बताएं. एक बात हमें ये बताएं कि या तो आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, हाई एनर्जी फॉस्फेट होना चाहिए जो कि एटीपी के अंदर है, या आपके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो एटीपी और एनएडीपीएच ये दोनों हाई एनर्जी सोर्स हैं. ये क्यों है, क्योंकि इसके पास हाई एनर्जी फॉस्फेट है. और ये हाँ ये क्यों है, क्योंकि इसके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो डार्क रिएक्शन चूंकि इसको इस्तेमाल करता है तो खाली भेज देता है किसको, एडीपी को और उसके साथ उसके अलग किए हुए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को. ठीक, और इलेक्ट्रॉन लेकर खाली भेज देता है किसको, एनएडीपी ऑक्सीडाइज्ड वाली को. ये रहा इधर और ये रहा इधर. ठीक, तो आप देख रहे हैं कि लाइट रिएक्शन जो है जो कि कहाँ चलता है, जो कि चलता था थायलाकॉइड में, वो सर्व कर रहा है किससे, एटीपी से और एनएडीपीएच से. किसको, डार्क रिएक्शन को जो चलता है कहाँ पर, स्ट्रोमा के अंदर. तो सारा दिन यही चल रहा है. कौन सा क्या चल रहा है बेटा, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को जो कि कौन कौन है, जो कि एटीपी और एनएडीपीएच है, उनको डार्क रिएक्शन इस्तेमाल कर रहा होता है. प्रोडक्ट कौन सी, एक एनएडीपीएच है. ये क्यों है हाई एनर्जी कंपाउंड, क्योंकि इसके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है. ये क्यों है हाई एनर्जी कंपाउंड, क्योंकि इसके पास हाई एनर्जी फॉस्फेट है. और रवाना कर देता है उसमें से एनर्जी निकाल के वापस, और उसमें से इलेक्ट्रॉन लेके वापस, और मज़ीद उसको लगा देता है उस काम पे, भैया जाओ इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाओ. तो एक बात आपको ये पता हो जानी चाहिए. ठीक, दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी छोड़ते हैं, जैसे जैसे वो ट्रेवल करते हैं तो वो एनर्जी छोड़ते हैं, जब वो छोड़ रहे होते हैं तो वो अपने लोअर एनर्जी लेवल के पास चले आते हैं. ठीक है,
जब उनके पास एनर्जी ज़्यादा होता है तो वो अपने हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, एक स्कीम बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बनाते जाइए, नहीं तो इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखिए। सही है, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ फोटो सिस्टम 2, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा तो आपको शायद दिखाई इतना अच्छा ना दे रहा हो। लैपटॉप पर आप देखें हाई पिक्सल हाई रेजोल्यूशन के साथ तो आपको अच्छे से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया फोटो सिस्टम 2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे लिख देते हैं प्लास्टा क्विनोन, ये नाम याद रखिएगा बेटा, प्लास्टा क्विनोन। ठीक, यहाँ लिख देते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स BF। ठीक, यहाँ लिख देते हैं प्लास्टा साइनिन, और यहाँ लिख देते हैं फोटो सिस्टम 1, और इसको बंद भी कर देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी दिखाई दे रहा है, प्राइमरी एक्सेप्टर। यहाँ लिख देते हैं फेराडॉक्सिन, बल्कि इसको ये नहीं देते लिख देते हैं डॉक्सिन। ठीक, और यहाँ लिख देते हैं NADP रिडक्टेज। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स। ठीक, बहुत सारे ऑथर फेराडॉक्सिन को प्राइमरी एक्सेप्टर, जैसे ये है ना, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर तो हमने लिख दिया मगर वो था फेलोफाइटिन। ठीक, फेलोफाइटिन। ठीक, फिर उसके बाद प्लास्टिक क्विनोन लिखा है मैंने, ये क्यों लिखा है मैं आता हूँ इस पर। ठीक, फिर है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने ऐसे करके, और फिर प्लास्टा साइनिन लिखा है, फिर फोटोसिस्टम 1, और फिर प्राइमरी एक्सेप्टर। मैंने कहा कि प्राइमरी एक्सेप्टर को बहुत सारे ऑथर फेराडॉक्सिन ही मानते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसके साथ समझ लीजिए लिख दिया है, और ये वाला NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये मैंने इस सीरीज़ में क्यों बनाया है मैं आता हूँ इसमें। यहाँ पर यूं करके मैं एरो देता हूँ इधर, ठीक, फिर यहाँ पर एरो देता हूँ ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ पर ऐसे। ठीक, ये एरो मैंने क्यों दिए हैं मैं आ जाता हूँ, और फिर यहाँ से यूं करके ऐसे। ठीक है बेटा, ये क्यों दिए हैं मैं आता हूँ थोड़ी देर में यहाँ पर, पहले इसका ज़रा तारुफ कर लेते हैं। बेटा फोटो सिस्टम 2 जो है इसको आप PS2 भी कहते हैं, या फिर आप इसको PS680 भी कहते हैं। सर हम PS2 क्यों कहते हैं और PS680 क्यों कहते हैं, तो पहले हम आ जाते हैं PS680 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया वो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए PS680 कहा जाता है। फोटोसिस्टम 2 क्यों कहते हैं, ज़रा एक सेकंड रुक जाइएगा। ये वाला जो है इसे हम PS1 कहेंगे, या फिर PS700 नैनोमीटर कहेंगे। ठीक है, PS1 क्यों कहेंगे वो तो बाद में आते हैं, 700 क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब आ जाते हैं 1 पर। बेटा फोटोसिंथेसिस असल में डिस्कवर हुआ था बैक्टीरिया के अंदर, वॉन नील का नाम शायद आपने सुना हो कभी,
वो साइंसदान थे जिन्होंने बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिस्टम को पढ़ा था, और उन्होंने जो सबसे पहला पिगमेंट सिस्टम डिस्कवर किया था वो था फोटोसिस्टम वन। ये वाला जो बैक्टीरिया के अंदर है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जाता है, बताऊंगा मैं फोटो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो चूंकि पहले ये डिस्कवर हुआ था बैक्टीरिया में तो इसका नाम फोटोसिस्टम रख लें, फिर जब ये डिस्कवर हो जाए तो कन्फ्यूज़ हो जाए कि इसको क्या बोलें इसको क्या बोलें, तो चूंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था इसीलिए फोटोसिस्टम वन बोला, ये बाद में डिस्कवर हुआ तो फोटोसिस्टम टू बोला, ठीक है। अब आ जाइए, वापस आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर कि अब ये क्या बनाया है सर। आप जो पिछली तस्वीर ज़रा दिखाइए, इसको देखें सर, ये कैसे बना हुआ है। ये फोटोसिस्टम टू आपने बनाया है, ये आपने बनाया है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये बनाया है फोटोसिस्टम वन, ये एनएडीपी रिडक्टेज, ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो फिर सर इस तस्वीर में और इस तस्वीर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है, ये ऐसे क्यों बनाई है आपने, यहाँ पर तो ऐसे सीधी सीधी थी। तो इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आंसर क्या है, पहले इससे पहले कि मैं वो बताऊँ, यहाँ पर आपको मैं एटीपी सिंथेज लिखकर कॉम्प्लेक्स लिखकर छोड़ देता हूँ, छोड़ भी नहीं देता हूँ बल्कि बक्सा बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने इसका बक्सा बना दिया, क्या बक्सा है क्या कहानी है, आ जाए इस पर बात करते हैं। बेटा इसको ज़रा मैं हाईलाइट करता हूँ पहले, ये रहा हमारा फोटोसिस्टम टू, कहाँ पर है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। ये हमारा है फेओफाइटिन, ठीक है, कहाँ पर है, हमारे थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। ये है प्लास्टोक्विनोन, कहाँ पर है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। ये क्या है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बीएनएफ, कहाँ पर है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, प्लास्टोक्विनोन, फिर फोटोसिस्टम वन, फिर क्या है, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर यानी फेराडॉक्सिन है, और फिर है एनएडीपी रिडक्टेज। ये सारे हैं कहाँ, ये तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर है। द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क इज कि फिर ये ऐसे ऐसे क्यों बने हैं। असल में ये ग्राफ है हमारे हाई एनर्जी का, ये मूवमेंट इस तरह जाओ ऐसे बना दो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना दो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आप ऐसे ऐसे बढ़ोगे तो ये क्या है, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे जाओगे तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मुझसे पूछो, मैं पूछता हूँ आपसे, हाईएस्ट एनर्जी किन किन के पास है, तो हाईएस्ट एनर्जी फेलोफाइटिन के पास है और फेराडॉक्सिन के पास है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद जब उसके पास ज़्यादा एनर्जी पहुँच गया था, हो गया था, तो उसने जंप लगाया था कहाँ पर, फेलोफाइटिन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी फोटोसिस्टम वन के पास जब उसके पास ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आया बताता हूँ, ज़्यादा एनर्जी पड़ा तो वो जंप लगा के आगे चला गया फेराडॉक्सिन के पास। मेरी बातें शायद आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब, चूंकि ये दोनों ऊपर लिखे हैं तो इनके पास, आप तो यूँ भी बता सकते हैं कि इनमें से किसके पास एनर्जी कितना है कितना ज़्यादा है, यू कैन पुट द ऑर्डर ऑल्सो। मैं पूछूं आपसे कि फोटोसिस्टम वन में ज़्यादा एनर्जी है या प्लास्टोक्विनोन में, तो चूंकि वो नीचे लिखा है तो इसमें कम है उसमें ज़्यादा है, बात समझ में आ रही है। चलो अब आ जाते हैं दोबारा मजीद कहानियों पर। ये जी स्कीम इसलिए, ये जो इस तरह का बन गया है वो इसलिए बन गया है क्योंकि एनर्जी के हिसाब से इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ से यूँ उठा तो इसका मतलब, और फिर डाउन द हिल आता रहा और एनर्जी खोता रहा, फिर एनर्जी आई तो फिर चढ़ गया ऊपर, फिर डाउन द हिल आता रहा और एनर्जी खोता रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं डिटेल के अंदर इसकी। बेटा रोशनी ज़रूरी है दो कामों के लिए, एक तो आपने, आपको पता था लाइट जो चाहिए हमको वो पानी को तोड़ने के लिए भी चाहिए, इस पर हमने बात की हुई है ऑलरेडी। पानी यहाँ लिख देता हूँ हल्का फुल्का सा, H2O को जब आप लाइट मारते हैं तो वो टूट जाता है किस में, 2H प्लस आयन में, दो इलेक्ट्रॉन्स में और आधी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, इसी को तो कहते हैं क्या चीज़, फोटोलाइसिस। तो रोशनी आपको किस लिए चाहिए है? सर इसलिए भी चाहिए, फोटोलाइसिस के लिए।
इसलिए भी चाहिए बेटा कि आप फोटोसिस्टम टू में जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर आप लाइट मारेंगे तो वो जंप लगाएंगे, वो एक्साइटेड लेवल पे चले जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब भी आप किसी चीज़ को, है ना, आपने पढ़ा ना उसका लॉ, ये रहा इजिकल टू एच म्यू, कि जो एनर्जी है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है और फ्रीक्वेंसी के बराबर है। या फिर आप वो पढ़ते हैं बड़ा मशहूर इक्वेशन जो है वो उसकी किसकी पढ़ते हैं, मैक्स प्लैंक की जो इक्वेशन है वो आप पढ़ते हैं ना, इजिकल टू एम सी स्क्वायर, इजिकल टू, या इसको भी छोड़ दो आप, इजिकल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, यानी एनर्जी मास जो है वो एनर्जी के बराबर है और रोशनी की शिद्दत के स्क्वायर के बराबर है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन द एंड, ये बातें आप उसको छोड़ दीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ रख दिया है सूरज के सामने तो जितना उसको रोशनी पड़ता जाएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन उखड़ते चले जाएंगे। ऐसे ही तो होता है सोलर सेल में, आप सोलर सेल रखते हैं ना, प्लेटें रखते हैं सोलर की, तो क्या होता है तो उस पर जो दिन भर रोशनी पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन्स को उखाड़ती रहती है, वो इलेक्ट्रॉन आप बैटरी में सेव करते हैं और उन्हीं से तो आप बिजली चलाते हैं पूरा दिन। सोलर सेल इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है ना, यानी चीज़ों को हमारे छत के ऊपर जो है ना वो एक चारपाई पड़ी हुई है उसकी वाण की बनी हुई, ठीक है, तो उस पर क्या होता है जब रोशनी पड़ रही होती है सारा सारा दिन, मैं भूल गया था कुछ अरसा उसको वहाँ पर, तो सारा सारा दिन रोशनी पड़ती रही, फिर एक दिन जब बच्चे बैठे उसके ऊपर तो वो वाण टूटने लग गया। वाण क्यों टूटा? क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ खो दी थी। क्यों खोई थी प्रॉपर्टीज़? क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए थे, और किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। तो फोटोसिस्टम टू भी एक हस्ता बस्ता जो था ना वो घराना था। लेकिन बुरी न्यूज़ कब हुई? बुरी न्यूज़ तब हुई जब 680 नैनोमीटर की लाइट जो है वो इस पर पड़ी, और इनका हंसता खेलता परिवार जो है वो क्या हो गया, वो टूट गया। कैसे? क्योंकि उनके दो इलेक्ट्रॉन वहाँ से उखड़ के ऊपर चले गए, फिर एनर्जी खोते चले गए और नीचे आते चले गए, एनर्जी खोते चले गए और नीचे आते चले गए, और यहाँ पर आकर यहाँ पहुँच गए। कहाँ? फोटोसिस्टम वन के पास पहुँच गए। वहाँ देखा तो वहाँ हालात और भी ख़राब। सर क्यों ख़राब? क्योंकि वहाँ पर तो 700 नैनोमीटर की रोशनी पड़ी हुई है, और इसने भी उसके हंसते खेलते परिवार को उखाड़ दिया है, ख़राब कर दिया है, तबाह कर दिया है। कैसे? दो इलेक्ट्रॉन उखाड़ कर वहाँ से। चलो अच्छी बात ये हो गई कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो इन फोटोसिस्टम वन के उखड़े हुए इलेक्ट्रॉनों को रिप्लेस कर देंगे। अच्छी बात यह है कि अगर 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ी है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खोए हैं तो क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन रिप्लेस भी तो कर दिए हैं। फोटोसिस्टम वन के तो इलेक्ट्रॉनों को फोटोसिस्टम टू के इलेक्ट्रॉनों ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन फोटोसिस्टम वन के इलेक्ट्रॉनों को कौन रिप्लेस करे? तो ये है ना हमारे पास, जब दो H2O के मॉलिक्यूल टूटते हैं, दो बनाए, हाँ दो नहीं एक बनाते हैं, वो टूटते हैं तो दो H+ आयन बनते हैं, दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं और आधी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनती है। और ये सब कहाँ हो रहा है? ये थैलाकॉइड स्पेस में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? थैलाकॉइड स्पेस में हो रहा है, ये याद रखिएगा। वाटर स्प्लिटिंग जो है वो थैलाकॉइड स्पेस में होती है, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए? आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए इन इलेक्ट्रॉनों को रिप्लेस करने के लिए। किन इलेक्ट्रॉनों को? जो 680 की चोट लगने के बाद फोटोसिस्टम टू से उखड़े हैं। जितने गए उतने हमारे पास वापस भी तो आ गए, दो इलेक्ट्रॉन गए थे। तो फोटोसिस्टम टू का केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हुई? क्वेश्चन, आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा हासिल कर लिए, मगर ये कैसे हासिल किए? वो इस प्रोसेस के ज़रिए हासिल किए थे जिसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। भूल ना जाएं, इसीलिए हम इसको पहले से ही हाईलाइट कर लेते हैं।
और इतने सारे प्रोसेस में हमारा पहला प्रोसेस क्लियर हो गया फोटोलाइसिस का, ठीक है। फिर आपको याद है मैंने आपको कहा था चार स्टेप होते हैं, उनमें से एक का था फोटोलाइसिस, एक का था मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1। तो इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 की तरफ जा रहे हैं, इसको हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक हो गया। अब आ जाइए एक और बात, इसके जो दो H+ आयन है और ये चूंकि थायलाकोइड स्पेस में हो रहा है बेटा, वो यहाँ पर आकर इधर जमा हो जाएंगे। ये कौन सी जगह है 2H+ आयन, ये थायलाकोइड स्पेस है, ये क्या है थायलाकोइड स्पेस है, और यहाँ पे आपने एक पानी के मॉलिक्यूल को तोड़कर दो H+ आयन यहाँ बना दिए। ऑक्सीजन जो है वो एक मिनट ठहरेगी, फिर जब दूसरा मॉलिक्यूल टूटेगा पानी का तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बन जाएगी और ये फिर बाहर निकाल दी जाएगी। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही है आपको। O2 इज रिलीज्ड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, थैलाकोइड स्पेस से निकलकर वो आ जाएगा किस में, स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा से मीसोफिल सेल से निकल के फिर स्ट्रोमेटा के थ्रू बाहर चला जाएगा और हमारे काम आएगा। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा फैक्ट्री का नाम पता है क्या है, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा फैक्ट्री का नाम है प्लांट्स। देर इज नो एज गुड एज कमर्शली प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री ऑफ ऑक्सीजन अदर देन प्लांट्स, ओके। यहाँ पर बात समझ में आ गई। फिर यहाँ से जो खास बात है वो ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे लोग कहते हैं प्लास्टिक क्विनोन से, अगर आप तस्वीर देखेंगे अपने उसमें बुक में तो वहाँ पर भी ये देखेंगे कि प्लास्टिक क्विनोन जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो वो एनर्जाइज्ड हो जाता है और वो स्ट्रोमा से H+ आयन को खींचता है, कहाँ पर, थैलाकोइड स्पेस में। और बहुत सारे ऑथर आपकी थ्योरी जो है वो कहती है कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स BNF एक्साइट होता है और वो H+ आयन को ऊपर से, कहाँ से, ऊपर से कहाँ से भाई, स्ट्रोमा से, यहाँ लिख देते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, स्ट्रोमा से H+ आयन को खींचता है, कहाँ पर, थैलाकोइड स्पेस में। कहाँ लिखा है, ये रहा थैलाकोइड स्पेस, ये भर जाएगा बिल्कुल यहाँ पर, इस तस्वीर को ज़रा देखिए, यहाँ से खींचेगा और ये रहा ना साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी, ये यहाँ पर जमा कर देगा। तस्वीर वही है, थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो H+ आयन स्ट्रोमा से जाकर कहाँ जाएंगे, थैलाकोइड स्पेस में आ जाएंगे और यहाँ पर तो ऑलरेडी H+ आयन का ढेर लगा हुआ है, ठीक है। दो ये रहे, एक ने और भी ज्वाइन किया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर दूसरा गुजरेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाए, दूसरा भी H+ आयन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपना काम करता गया, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी खोते खोते प्लास्टिक साइनन की तरफ गया और फिर फोटोसिस्टम वन की तरफ चला गया, फिर इसके बाद चला गया यहाँ पर। अब हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि NADP रिड्यूस करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती थी। NADP रिड्यूस करने के लिए दिखाई दे रहा है, हाँ, NADP को रिड्यूस करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती थी, आपको एक तो इस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती थी जो कि ये वाला है, रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, इस पर आपने निशान दिया हुआ प्लस का, तो इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन गया इस प्लस को हटाने के लिए, ठीक हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन गया किसके साथ, हाइड्रोजन H+ आयन के साथ मिलकर उसने बना दिया NADPH बेटा। H+ आयन कहाँ से आया, ये तो मैंने बात आपको ऑलरेडी समझाई हुई थी ना कि NADP+ वाली जो है उसको दो इलेक्ट्रॉन और एक H+ आयन की जरूरत होती है कि वो NADPH में कन्वर्ट हो जाए। तो दो इलेक्ट्रॉन आपके कंज्यूम हुए किस में, NADPH को, NADP को NADPH बनाने में, दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलकर NADPH बन गया। और ये कहाँ बना, ये बना स्ट्रोमा के अंदर NADPH। इसका क्या असर, ये जो इतने सारे प्रोटॉन जमा हो रहे थे इनका क्या होगा, ये फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे, जिसको आप केमोस्मोसिस कहते हैं ना। थैलाकोइड स्पेस बहुत छोटी सी जगह है, अगर बार बार H+ आयन बनेंगे तो यहाँ पर तो रश हो जाएगा, H+ आयन का निकलने का रास्ता तो ऊपर से था लेकिन वो तो एनर्जी के बाद था,
मगर यहाँ पर तो हमको ऐसे डायरेक्ट निकलना है, तो डायरेक्ट निकलने के लिए हमें प्रोटॉन पंप की ज़रूरत पड़ती है, और वो कौन सा है, वो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है। तो ये दो प्रोटॉन और एक जो आपने पुल किया था, वो कुल मिला के तीन प्रोटॉन जो हैं यहाँ से हमें गुजारने होंगे ताकि वो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये ज़रूरी नहीं है बेटा, मैंने इस पर पहले भी बात की थी, ज़रूरी हरूभरू नहीं है कि आप तीन प्रोटॉन ही जो है वो गुजारें। ये रैंडम प्रोसेस है, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो, लेकिन प्रोटॉन का गुजरना बहुत ज़रूरी है। ये मक्खी मुझे बहुत तंग कर रही है रात के इस टाइम पर। तो जब भी H+ आयन गुजरता है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स से, ये वही काम करता है जो इससे पहले किया करता था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी के साथ मिलाकर ऐसे क्या बना देता है, एटीपी बना देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सोचना ये है कि ये जो एटीपी बनी है, मेरा ख्याल था कि इसको कुछ और रंग दे देते क्योंकि ये सारा एक ही रंग में आ रहा है। ये जो एटीपी बनी है वो इसलिए बनी क्योंकि H+ आयन का ग्रेडियंट बना था। H+ आयन का ग्रेडियंट क्यों बना था, क्योंकि रोशनी आई थी, यहाँ से दो प्रोटॉन आए थे और वो भी तो खिंचा था रोशनी की वजह से, ना इलेक्ट्रॉन जाते ना ये एक्साइट होता, ना ये H+ आयन आते किस में, थैलाकोइड स्पेस में, ना ही ग्रेडियंट जनरेट होता, ना ही प्रोटॉन निकलते और ना ही एटीपी बनती। तो एटीपी जो बनी है यानी एडीपी की जो फॉस्फोराइलेशन हुई है वो रोशनी की वजह से हुई है, इसीलिए हम इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ना रोशनी होती ना हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होती। तो ये हमारा है स्टेप नंबर टू, फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये वाला कौन सा था, ये था हमारा रिडक्शन, स्टेप नंबर थ्री था समथिंग, ठीक है। और एक स्टेप था हमारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर इससे रंग देते हैं, ये रहा फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसका जिक्र हमने किया था, दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। ये है फोटोलाइसिस, इसका भी हमने जिक्र किया था, ठीक है। यह है रिडक्शन, इसका भी हमने जिक्र किया था। और यह है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1, ये भी हमने जिक्र किया था। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। हमें मिला क्या इन दी एंड, हाँ हमें मिला ये चीज़ मिली, हमें एक तो मिला एटीपी और एक मिला हमें NADPH। आपने देखा, ये रहा हमें मिला एटीपी और एक मिला हमें एनएडीपीएच, ठीक है। ये हम कहाँ लेके जाएंगे, ये हम टू लाइट रिएक्शन लेके जाएंगे, टू लाइट रिएक्शन लेके जाएंगे। कितने एनएडीपी बनते हैं, कितने एटीपी बनते हैं, आइए ज़रा इस पर थोड़ी देर बात कर लेते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन के मूव करने पर बेटा कितने, जब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आपके पास थ्री एटीपीज बनती हैं। दो इलेक्ट्रॉन के मूव करने पर आपके पास थ्री एटीपीज बनती हैं, ठीक है। तो अगले दो इलेक्ट्रॉनों के पास आपके पास छः बन जाएंगी, अगले दो इलेक्ट्रॉनों के पास आपके पास कितनी बन जाएंगी, नौ बन जाएंगी, फिर अगले फिर अगले फिर अगले, इस हिसाब से हमारे पास कुल 18 एटीपियां बननी चाहिए और कितने बनने चाहिए, हमारे पास 12 एनएडीपीएच बनने चाहिए। ये उम्मीद है आपको मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो फिर बड़ा आसान है हमारा वो बात करना उसके बारे में कि कितने प्रोटॉन जाएंगे, कितने वाटर बनेंगे टूटेंगे, कितनी ऑक्सीजन बनेगी वगैरह वगैरह। अगर आपको ये बातें सारी समझ में आ गई हैं तो फिर ये बड़ा आसान था। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं, इसको फिर फिनिश करते हैं, एक छोटा सा माइनर लेक्चर बना लेंगे जिसमें हम इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर लेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आप में से पूछ रहे हैं मुझसे बच्चे। फोटोसिस्टम वन टू, फोटोसिस्टम टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स BNF, फोटोसिस्टम वन
NADP reductase complex और ATP synthase complex, ये कुल 5 complexes हैं। आपकी बुक में NADP reductase complex को complex नहीं बोला गया है। Photosensitive 2 पहला complex, cytochrome complex BNF दूसरा complex, Photosensitive 1 तीसरा complex और ATP synthase complex वो चौथा complex। ये वाला complex हमारा नहीं हुआ, बहुत डिस्टर्ब नहीं कर रहा ये हो गया ठीक है। और फिर आपने जो सारी बातें थी वो हमारे साथ पढ़ ली, 700 नैनोमीटर की लाइट, 680 नैनोमीटर की लाइट वगैरह वगैरह। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस पर हम बात करते हैं थोड़ी देर में। ये हमारा पूरा लेक्चर बन गया इतना अच्छा अच्छा सा, इसका पिक्चर भी भेज देता हूँ मैं।